नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज सर, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक साइट पे बेचिए यानी कि एक दुकान से माल खरीदिए और दूसरी दुकान पे बेचिए, और आपको बता दें जो बाइट कॉइन है जो कि आज ही बाइनेंस पे लिस्टेड हुआ है, पॉलिनेक्स पे वो चल रहा है 170 150 सटोसी के आसपास, और जो बाइनेंस पे जो आज ही ये लिस्टेड हुआ वहाँ चल रहा है 1800 सटोसी। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर आपका पैसा जो है एक्चुअल में 10 गुना हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है, जो बड़े एक्सचेंज होते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोगों को इस चीज़ को एनकैश करने नहीं देते हैं। वही जो है हमारे साथ हुआ, हमने पॉलिनेक्स पे ऑलमोस्ट 0.54 इथीरियम ट्रांसफ़र किया और उसके बदले में जो हमने बेच के ए जो BCN जो कि बाइट कॉइन खरीदे, ऑलमोस्ट 33,000 हमारे पास बाइट कॉइन है। आप देख सकते हैं 33,000 हमारे पास बाइट कॉइन है और जो हमने खरीदे हैं 131 सटोशी पे। हमारा प्लान ये था कि हम BCN जो है अपना बाइनेंस पे लेके जाएंगे और वहां पे बेचेंगे, लेकिन इन्होंने जो है आप देख सकते हैं विड्रॉल पेंडिंग है, पिछले 3 घंटे से ये पेंडिंग है और हमें इन्होंने विड्रॉ करने नहीं दिया। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, कभी भी आपको जो है दोनों एक्सचेंजेस पे नज़र या बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं जो रेट का वेरिएशन होता है उस पे नज़र बना के इसलिए रखनी चाहिए कि जो आप रेट अगर आप देखेंगे 2000 सटोसी और 150 सटोसी में बहुत फर्क होता है। तो अगर 2000 सटोसी पे नहीं बिक रहा और आपने यहाँ पे एक जैसे हमने 131 सटोसी भी खरीदा है, क्योंकि हमें पता था कि अगर जो हमें डर था कि वो पॉलिनेक्स अगर विड्रॉल भी नहीं देगा तो भी हम जो है यहाँ से एन कैश कर पाएंगे और यहाँ पे अन कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस मूव करेगा। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अब जो है 190 194 सटोसी इस टाइम पे चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम वहाँ पे ट्रांसफ़र ना भी कर पाए तो भी हम जो है ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट में है जो भी हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट की है। दोस्तों, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, बट जो है ऐसे मौके हमें बुनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हर एक्सचेंज पे एक सीख है, हर एक्सचेंज पे जो है आपके ऑलमोस्ट अकाउंट होना चाहिए और आपको मैनेज करना आना चाहिए और हर एक्सचेंज पे नज़र होनी चाहिए कि क्या रेट कहाँ पे चल रहा है, ताकि आप जो है ऐसी चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। तो एक बहुत बड़ी सीख है, लेकिन हमें डर था कि पॉलिनेक्स हमें विड्रॉल नहीं देगा और वैसा ही हुआ। पॉलिनेक्स ने हमें विड्रॉल नहीं दिया अभी तक, 3 घंटे हो गए हैं, और अगर हम यहाँ पे भी पॉलिनेक्स पे भी बेचते हैं इसको ट्रांजेक्शन को कैंसिल करके तो भी जो है हम 40% प्रॉफिट में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं जब ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है और बहुत अजीब सा लगता है। और आप देखेंगे पॉलिनेक्स नहीं, हिट BTC हो या और दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं वहां से वो विड्रॉल उन्होंने रोक दिया है, वो दे नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जो है अभी ट्रांजेक्शन जो है कन्फर्म नहीं हो रही हैं। तो बट ऐसी चीज़ों के लिए आपको हमेशा नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छा पैसा कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में कमा के दे सकती हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2000 सटोसी अगर है तो नीचे आएगा तो थोड़ा टाइम लगाएगा, और अगर टाइम लगाएगा तो पॉलिनेक्स कहीं ना कहीं जो है पॉलिनेक्स के यूज़र को जैसे जैसे पता चलता जाएगा तो वो जो है उस पर बाइंग करेंगे, और बाइंग करेंगे तो हमें लगता है कि 400-500 सटोसी तक ये जा सकता है आज। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है एक अच्छा कोई रिटर्न पाने का, 5, 10, 20, 5 गुना 10 गुना तक रिटर्न पाने का। तो आप जो है इस पे नज़र बना के रखिए और कहीं ना कहीं जो हो सकता है आप भी इस चीज़ को भुना सकें। बट आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी कीजिएगा वो कीजिएगा जो आप अफोर्ड कर सकें लूज़ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो ट्रांजेक्शन बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी वेरी करती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि फ्लक्चुएशन इतना हो जाता है कि हमारा जो पैसा है वो उड़ जाता है। तो दोस्तों, एक मौके की चीज़ थी तो मुझे लगा कि आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए, और हमने शेयर की। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप हमेशा इन चीज़ों का एडवांटेज उठाते रहें। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।